गुड मॉर्निंग, और आज मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो व्हाट इज सीबीडीसी? सीबीडीसी है क्या? तो दोस्तों, मैं आपको ये बात बता दूं कि 1 दिसंबर 2022 से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सीबीडीसी लॉन्च कर दिया है, और ये मुख्यतः आरबीआई के कंट्रोल में रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं सीबीडीसी है क्या। देखिए, जैसे कि 2022 में जब निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुत किया था, उसी समय इन्होंने करेंसी की बात कर दी थी, डिजिटल करेंसी, कि हम डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे। और यहां पर आरबीआई ने डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दिया है, और इसको 4 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले देखें सीबीडीसी है क्या। एक्चुअली आपको याद होगा कि एक बार डिमोनेटाइजेशन किया गया था, नोट को बंद कर दिया गया था। क्या वास्तव में वो नोट को बंद किया गया था? मेरे हिसाब से तो नहीं। मेरे हिसाब से उस समय नोटों को एक्सचेंज किया गया था, सारे नोट बैंक में एक बार चले गए, और फिर 500 हजार नोट की जगह पर आपको 2000 के नोट पकड़ा दिए गए, और 500 के नए नोट दे दिए गए। तो ये तो नोटों का एक्सचेंज हुआ, ये वास्तव में नोटबंदी नहीं थी। मगर आपको जान के आश्चर्य होगा कि इंडियन गवर्नमेंट आरबीआई के साथ मिलकर के अब पूरी तरह से नोट बंद करने जा रही है। नोट बंद करने जा रही है, आपको सरप्राइज हुआ। एक्चुअली हो क्या रहा है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कि अब आने वाले समय में इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि कैशलेस इकोनॉमी बन जाए, क्योंकि मैक्सिमम लोग आज यूपीआई, फोन पे या गूगल पे के माध्यम से पैसे को ट्रांसफर करते हैं। और आपको पता है कि एक नोट को छापने में लगभग 15 से 17 रुपए तक की कॉस्ट आती है, और नोटों की ढुलाई में जब एक जगह से दूसरी, जैसे नोट छप गए जब, फिर उसको बैंकों में पहुंचाना होता है, तो छपाई और ढुलाई में लगभग इतना खर्चा आता है। 2022 में नोटों की छपाई में कितना खर्चा आया? लगभग 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए नोटों की छपाई में खर्चा आया। आप सोचेंगे सर, एक बार का काम है, छाप दिया, हो गया, बार बार तो करना नहीं है। भाई, नोट खराब भी होते हैं लगातार चलते हुए, फिर आरबीआई को नए नोट छापने होते हैं। अब इन सब कामों से निजात मिलने वाला है। कैसे? अब क्या होगा, अब आपको जितने भी आपके पास पैसे हैं, एक बार पूरे पैसों को कहां पे जाएंगे? बैंक में जाएंगे, और आपको एक टोकन दे दिया जाएगा, और वो टोकन क्या होगा? ई और आर, ये साइन है डिजिटल करेंसी का। और इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4 शहरों में लॉन्च कर दिया गया है। जरा देखिए, वो 4 शहर कौन से हैं? एक तो है आपका दिल्ली, एक है आपका दिल्ली, एक है आपका मुंबई, एक है आपका भुवनेश्वर, और एक है आपका बेंगलुरु। तो भारत के 4 कोनों में ये लॉन्च कर दिया गया है, भारत के 4 कोनों में ये लॉन्च कर दिया गया है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, और इसको देखा जा रहा है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होगी वो कौन सी टेक्नोलॉजी होगी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो कहने का मतलब यह है, अब पैसे आपको नोट के रूप में नहीं दिखाई पड़ेंगे, पैसे आपको अपने मोबाइल के वॉलेट में दिखाई पड़ेंगे, और जो भी पैसे ट्रांसफर होंगे आपके मोबाइल से ट्रांसफर होंगे। इसी टेक्नोलॉजी को कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। यानी अब आपको कैश रखने की जरूरत नहीं है। इससे फायदा क्या होगा? अब जरा सोचिए, एक व्यक्ति जो किसी जगह पे काम करता है, उसे सैलरी मिलती है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है तो उसका टैक्स कटता है। मगर व्यक्ति जो प्राइवेट संस्था में कहीं से काम करके पैसे अर्न करता है, उस पैसे से वो टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देता। ऐसी स्थिति में अब अगर उसके मोबाइल पर जो भी पैसे आएंगे उस संस्था के द्वारा, वो आरबीआई की नजर में होंगे, और उस पर उसे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि टैक्स पेयर्स की संख्या इकट्ठे बढ़ जाएगी। पहला ये फायदा। दूसरा, ये जो छपाई और ढुलाई में खर्च हो रहा है, ये खर्च खत्म हो जाएगा। तीसरा फायदा ये होगा, जो बैंक के कर्मचारी हैं, जो कि रोज जमा करो पैसा, पैसा दो, अब आप जब बैंक में पैसा लेने जाएंगे तो वो आपके वॉलेट में कुछ नंबर डिजिट डाल देगा और आपको वो पैसे प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वो काम घर से भी हो सकता है, आपको बैंक जाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप जो बैंक के एम्प्लॉई हैं, उनका वर्कलोड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और भारत सरकार उन एम्प्लॉइज को किसी दूसरे कामों में ले सकती है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो कि 4 शहरों में लॉन्च हो चुकी है 1 दिसंबर 2022 से,
और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रन कर रही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसमें नोटों को खत्म कर दिया जाएगा, नोटों को खत्म करके कैशलेस इकोनॉमी बनाने की कोशिश की जाएगी और डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी जाएगी। डिजिटल करेंसी का सैंपल है ई रूपी तो ई रूपीज के रूप में अब पेमेंट होगा और आशा करते हैं कि ये एक अच्छे भविष्य के रूप में भारत को विकासशील देशों की कैटेगरी से विकसित देशों की तरफ ले जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका आगे फ्यूचर क्या होगा और आगे फ्यूचर के लिए मेरी वीडियो का इंतजार करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।